गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम रात को क्लब जाने वाले थे पर हम नहीं गए। हमारी नींद कब लग गई पता ही नहीं चला हमको। और मैं जिम के लिए रेडी हो चुकी हूँ। सुबह हो चुकी है, कितनी बज गई है, 7:48 हो चुकी है और ये मैडम अभी तक सो रही है। भैया उठो, जिम चलेगी क्या? नहीं तो जाके आ जाऊँ। मैं जाके आ जाऊँ? ठीक है, लाइट बंद करके जाना सर। ठीक है, ओके तो चलो, क्योंकि जिम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद को बहुत मेंटेन करके अभी चल रही हूँ। मैंने वेट गेन किया है तो पेट ना निकले, और मतलब पेट तो ऐसे निकल ही है पर और भी ज़्यादा ना निकले और सब कुछ मेंटेन रहे, लेग्स प्रॉपर मोटे हो जाए, इसलिए मैं जिम जा रही हूँ। और एक भी दिन मिस हो गया तो बहुत दिक्कत आई, क्योंकि वैसे 2 दिन मिस हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि आज कर लेती हूँ, वरना ज़्यादा दिन का गैप हो जाता है तो फिर हाथ पैर वापस दर्द करने लग जाते हैं, दैट्स व्हाई। चलो यहाँ का भी जिम देखते हैं। ये देखो मॉर्निंग व्यू, तो मस्त लग रहा है ना। देखो चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस समुद्र दिख रहा है चारों तरफ। ये देखो भैया, ये जिम है। मस्त है ना जिम, मस्त है ना। पिंक कलर की वॉल भी है यहाँ पे। मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ जिम और वहाँ से ये रहा यहाँ तक। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है साथ में। और मस्त इधर वर्कआउट करो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं वर्कआउट करूँ या व्यू देखूँ। वर्कआउट कर लेती हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। मस्त हो रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं बोलने के लिए। और यहाँ पर योगा भी होती है। अरे उठना यार, पागल है क्या तुम? वर्कआउट वर्कआउट करके सब आ गई, तू सो ही रही अभी तक, मुझे लगा उठ गई होगी तू। उठ जा यार, क्या है ये नाटक यार, उठना। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। खाने चलो जल्दी उठ के, वो खत्म हो जाएगा ब्रेकफास्ट 10 बजे। हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट में क्या क्या है आज, क्योंकि कल तो ब्रेकफास्ट नहीं था हमारा और आज है। पिंक कलर का पता नहीं क्या है, दही है, चटनी है, कोकोनट चटनी, उपमा है, और कल ब्रेड है, खमन है, पेनकेक है, रोस्टेड पोटैटो है। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? चिकन सॉसेज। इट इज नॉन वेज? यस। ओके, अरे नॉन वेज है, ऑमलेट है, फ्रूट्स हैं,
कपकेक, इडली सांभर, कॉफ़ी भी है, चाय भी है। ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने की, डिनर में भी थी, लंच में भी होंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सारी। मस्त इडली सांभर, खमन, आलू का पराठा, उत्तम, दही, फ्रूट्स और ये कपकेक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं यही सब खा लूँ, उसके बाद मैं जूस पीऊँगी। मस्त है ना, जूस भी मस्त है। और पिंक कलर का भी पता नहीं कैसा पिंक कलर कुछ है, वो भी मुझे। तुम्हारा पेट कचरा बन चुका है, कचरा डस्टबिन, डस्टबिन जिसमें सब ठूसते जाओ, ठूसते जाओ, ठूसते जाओ, ठूसते जाओ, ठूसते जाओ। सब चलता है, कभी कभी तो चलता है, बाहर अपन को रोज रोज ही जाते हैं। अभी जिम करके आई है और ये सब खा रही है, जिम करने के बाद ये खाते हैं, खाते हैं जिम के बाद, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी खा सकते हैं। और ये आलू का पराठा खाते जिम करने के बाद, जिम के बाद खाते खा सकते हैं। अच्छा, तू गेन कर रही है ना? गेन कर रही हूं। अच्छा, मोटा होना है ना, भैंस जैसा। पेट तो बाहर ही निकल रहा है, पेट पेट को इग्नोर कर देना गाइस मेरे। मस्त है, पर टेस्ट मस्त है। पता है अभी मैंने ना वो रख लिया था, मतलब गलती से वो जो पैनकेक होता है ना उसको रख लिया, फिर मैंने पढ़ा कि उसमें एग्स भी ऐड है, तो मैंने वापस रख दिया उसको। सब चले गए हैं, क्लोजिंग टाइम हो गया है, अब चलो कितना खाएगी भाई। मैं खा लूं, मैं थक गई यार खा खा के। चलो चलो चलो। तो दोस्तों आयुषी पूल में गई है, मैं मुझे नहीं जाना है। क्या हो गया? खारा पानी है, क्या बात कर रही है सही में? तो दोस्तों इस पूल में खारा पानी है, जाना है, जाना है, पूल में जाना है? नहीं नहीं, चलो चले चलो। तो दोस्तों पूल के अंदर खारा पानी है और मैं तो नहीं जाऊंगी भैया पूल में, क्योंकि मैं काली हो जाऊंगी, पहले ही इतनी काली हूँ और काली हो जाऊंगी। चलो चलो रूम में चलो, रेडी वेडी होते हैं, फिर फोटो वीडियोस लेते हैं, ठीक है? चलो। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे पता है यहाँ पर क्या लगी, स्टाफ का नेचर जो है, मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना अच्छा, एकदम घर जैसा ट्रीट कर रहे हैं वो, कि क्या चाहिए, कैसा है खाने का टेस्ट, मतलब बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही प्यारा नेचर है सबका, सबका एक एक इंसान का यहाँ पर बहुत ही प्यारा नेचर है। तो तैयार हो जाते हैं अब, मस्त है। फिर उसके बाद अपन जाएंगे फोटो क्लिक कराने के लिए, खाएंगे वापस खाना है ना। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं पूल साइड एरिया में, ये देख सकते हैं आप, खाना है। तो पिंक कलर की ड्रेस पहन कर मैं हो चुकी हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, वरना 30,000 रुपए कैसे वसूल करेंगे, खाना तो पड़ेगा ना। चलो चलो डाइट लेनी पड़ेगी, पेट भले ही निकल रहा है लेकिन खाना पूरा खा कर जाऊंगी यहाँ से। बहुत सारा खाना हम वापस लेकर आ गए हैं और इस बार तो भिंडी की सब्जी भी है जो कि मेरी फेवरेट है। तेरी फेवरेट नहीं? तुझे नहीं पसंद है? हे हे, खाऊंगी मैं भी। खा लिया होगा? नहीं नहीं खाऊंगी, अभी अब खाएगी ना, मैं वेट कर रही थी ना, तू ये तू मेरे लिए लेकर आई ना, थैंक यू। क्या नाम है आपका? गाइस श्रेया मेरी वीडियोस देखती है। कौन सी वीडियो देखती है? एक तो देखी होगी ना, याद होगी जो फनी देखी है। कहाँ से हो आप? बलगांव कहाँ का है? नहीं पता, मतलब महाराष्ट्र में, गुजरात में आता है, नहीं पता। इंडिया में तो आता है पर कहाँ आता है इंडिया में? स्टेट कौन सा? स्टेट कौन सा? थैंक यू सो मच। ऑरेंज जूस भी आ गया है हमारा, वो फैन वाला ऑरेंज जूस और गाजर का हलवा भी, फ्रूट्स भी और दही बड़ा भी, सूप भी। मजे यार, मतलब खाने की बात अलग है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, मतलब टेस्ट की मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। और ये व्यू, और ये खाना, खाने के साथ ये व्यू,
मस्त है ना, कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है, तो जूस मिल गया ना, मजा आ गया। पीला जूस और क्या, फ्रूट्स भी खा लो, जूस पी लो, फटाफट फटाफट कर लो, फिर उसका फोटो वीडियो कर लेते हैं अपने, है ना? हिल रहा है ना? ऐसे 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 हिल रहा, स्पीड से चल रहा है ना वो। दिख तो नहीं रही है स्पीड, ऐसे समझ में नहीं आता है, लेकिन फील हो रहा है। अपन यहाँ पर बैठे हैं ना, फील हो रहा है कि ऐसे हो रहा है और फिर ऐसे हो रहा है। अच्छा, ऐसे हो रहा है फिर ऐसे हो रहा है। गोवा पहुँचा देगा कि नहीं? पहुँचा देगा अपने को। कितने बजे तक पहुँच जाएंगे? सुबह 7 बजे। अच्छा, देखो लिफ्ट के लिए बहुत ही वेटिंग्स है, हमको 10th डेक पर जाना है। कहाँ जाना है हमको? 4th 10th 10th डेक पर जाना है। ना 10th डेक पर हमको जाना है, और बहुत ज्यादा ही यहाँ पर क्राउड है ना, थोड़ा सा ज्यादा क्राउड। यहाँ पे वेडिंग भी आई थी। वेडिंग है उसके अंदर? हाँ वेडिंग है। अच्छा, फिर अब दैट्स व्हाई उस समय तो बुलाया ही नहीं उन्होंने। सब कुछ सही है, बस ये हवा की चल रही, बाल खराब हो रहे हैं मेरे, फोटो कैसे आ रहा है, पेट अलग निकल गया। खाना पता है अपने को ना, पहले फोटो क्लिक करवाना थे, उसके बाद खाना खाना था। तुम्हें ही ठूसना रहता है पहले कि खत्म हो जाएगा 2 बजे बाद, भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, अब खाओ। होगी ना 4 बजे? नहीं अभी चलो भाई फोटो क्लिक कर। हाँ होगी, पहले बता खाएंगे। हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे। हाँ 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 चल 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 चल। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप हो रही है इतनी, बट हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी चल रही है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और व्यू तो बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा, नीला नीला पानी समुद्र का। और ये जो डैक है, ये सबसे टॉप डैक है, टॉप डैक ऑफ पड़िया क्रूज। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे फोटो वीडियो ले रहे हैं हम ही जानते हैं, पर अच्छा लग रहा है, फोटो वीडियो बहुत प्यारे आ रहे हैं, बस बाल पकड़ के फोटो क्लिक करवाने पड़ रहे हैं, मस्त लग रहा है। पर ये है कौडिल्या क्रूज का टॉप फ्लोर का बैक, देख सकते हैं आपकी कितना प्यारा लग रहा है। मस्त दारू वारू पीते इधर लो, मस्त दारू वारू भी रखी है इधर, चेयर्स रखी है। मस्त लग रहा है, मुझे पता था ये लड़की यही करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि था कि वहां पे दारू का ग्लास रखा है, और ये दारू का ग्लास लेकर आप बोल रही है कि मेरा फोटो क्लिक करो। वाह बेटा वाह, ये सब सिखाया है मैंने तुमको, ये करना सिखाया है? Yes. ये करना सिखाया है क्या? बस की चीजों को ले लो, फोटो क्लिक करा के वापस रख दो। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ समुद्र समुद्र और समुद्र है, और एक दूर क्रूज भी दिख रहा है। देखो चल रहा है, वरना मैं आपको बताती कि मैप में एग्जैक्ट अभी हम कहाँ पर हैं, क्योंकि मैं कहीं भी जब घूमने के लिए जाती हूँ तो मैं मैप पर पहले सर्च करती हूँ कि वो जगह कहाँ पर है। और अभी हम गोवा जा रहे हैं, तो गोवा का जो समुद्र है, गोवा मतलब मुंबई और गोवा के बीच का जो समुद्र है,
उस रास्ते पर अभी हम हैं और प्यारा लग रहा होगा ना, मतलब कभी मैप देखती हूँ जूम करके हम कि हमारा ग्रुप यहाँ पर है और वो नहीं भी चल रहा है, क्या कर सकते हैं। वो फेमस है ये क्या हो गया इनको मुझे तो तैरना भी नहीं आता है, पागल है क्या, तो डूब जाऊंगी। हर ट्रिप पर ही जाती हूँ और ये डिस्कस करके आती हूँ कि स्विमिंग क्लास जाऊंगी। ये देखो यहाँ पर वेडिंग भी होती है, बढ़िया यार, मतलब जहाज में लोग शादियाँ कर रहे हैं। एक मुझे देख लो, जमीन पर रहकर भी शादी नहीं कर पा रही हूँ। चलो मैं आपको कॉमन वॉशरूम भी दिखा देती हूँ, कॉमन वॉशरूम कैसा होता है। ये कॉमन वॉशरूम है यहाँ का, कृपया अपने हाथ 20 सेकेंड तक साफ करें, ठीक है। इधर भी मिरर है, इधर भी मिरर है और ये वॉशरूम है, दो वॉशरूम, ज्यादा वॉशरूम नहीं रहती, इधर 10-12 नहीं रहती, सिर्फ दो रहती है कॉमन वॉशरूम में। लेकिन कॉमन वॉशरूम में एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर वो धोने का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जेड, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ओनली टॉयलेट पेपर है, वो आपको ओनली आपके रूम में ही मिलेंगे, इसमें नहीं है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें। तो 4:30 बज चुके हैं और हाई टी का टाइम हो चुका है और 10th फ्लोर पर अभी हम हैं। चलो भैया कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। सेव परमल और ये सब कुछ है यहाँ पर और ब्रेड पकौड़ा भी है, कॉर्न चीज सैंडविच भी है यहाँ पर। क्या दिस इज वेज, और बहुत सारे सैंडविचेस हैं बट मेरा फेवरेट है मसाला सैंडविच जो कि यहाँ पर नहीं है, तो मैं और कुछ ले लेती हूँ। और ये साइड वापस वही रिपीटेड चीज़ें हैं। ये व्यू देखो, व्यू कितना प्यारा लग रहा है। कुकीज भी है, पाइनएप्पल केक, बहुत टेस्टी है, पर जूस ही मिला। कोई बात नहीं, सब चीज़ ही मिलेगी एक साथ, पानी पी ले, पानी पिंक कलर का कुकीज भी है, मस्त लग रहा है ना। हाँ डिब्बे में ले लेंगे इसको, इसको ना अपनी बैग में भर देती हूँ, 4-5 रख लेती हूँ इसमें, इसको पता थोड़ी पड़ेगा यहाँ पे, है ना। नहीं वो कितना प्यारा लग रहा है यार। तो दोस्तों इस लड़की को कॉर्न भी बिल्कुल पसंद नहीं है और कॉर्न मेरा फेवरेट है। तमीज़ नहीं है क्या बेटा, कॉर्न की बेइज्जती से कर रही मेरे सामने, वो भी जिसका फेवरेट है। क्या कर रहे हो, ये इंदौर वाली दिखा दी ना अपनी, पिंक कलर के वो मेरे फेवरेट है, बाद में खाऊंगी मैं, अभी जगह नहीं पेट में। तो क्या करे, तो बैग में भर लेंगे। यहाँ पे पायल के कुछ फैंस मिल गए हैं जो उसके साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं, देखो ये। तो दोस्तों हमारे रूम का हाल देखो आप, ये रूम का हाल है, ये सब तेरी वजह से हुआ, कोई मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये मैंने कॉर्नर में बिल्कुल व्यवस्थित कर रखा है, बिल्कुल व्यवस्थित, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ओके। ये मेकअप तेरा है, वो ट्रॉली तेरा है, ये ट्रॉली तेरा है, ये बैग
क्या करूं यार, मेरे को सब खुद को समझ में नहीं आ रहा है। भैया जल्दी चेंज कर लो, सनसेट हो जाएगा, फोटोज नहीं आ पाएंगे। जल्दी चेंज करो ड्रेस, फटाफट चेंज कर ले आयुष, फोटो नहीं आएंगे यार। जल्दी चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं, वापस से ड्रेस चेंज करेंगे एक और बार करेंगे। अभी चलो गाइस यहाँ पे पायल के हम लोगों को फोटो वीडियोस लेते लेते शाम हो गई, अंधेरा हो गया। देख सकते हैं आप सनसेट हो चुका है, कितना प्यारा लग रहा है पीछे। और आज हमारा क्रूज में लास्ट डे है, तो बहुत ही मिस करने वाले हैं हम ये दिन। क्यों मिस करने वाले हैं या नहीं हम ये दिन? क्या मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं तो क्रूज वाले से बात कर लेती, बोलती कंटिन्यू मैं तुम्हें जॉब पे रख लो, रख लेना कर लेना, तो मैं फ्री में आ जाऊंगी फिर। ठीक है जॉब पे रख ले। और इधर देखो सामने फेरे चल रहे हैं, मतलब हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि मतलब लाइट जो है ना, फोटो में आते हैं, फोटोज बहुत अच्छे आ गए हमारे, फोटोज बहुत अच्छे आ गए। देखो समुद्र की लहरें, और ये वेडिंग्स की लाइट यहाँ तक आ रही है। मतलब सोचो शादी कर रहे हैं यार लोग, बताओ। एक तो मतलब बुरा लग रहा है ना देख कर, एक तो मैं सिंगल हूँ और ना ही मेरी शादी हो रही है, ना ही मेरे घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं। मेरे घर वाले मेरे भरोसे हैं, कोई लड़का ढूंढ के रखा होगा, अब उन्हें कौन बताए कि मुझे इस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिला। और ना ही मुझे कोई लड़का पसंद आता है, और मैं उनके भरोसे हूँ कि कोई लड़का मिलेगा। चले कुछ खाने चले क्या? क्यों डिनर डिनर बाकी है ना अभी? कल की आइटनरी आ गई है और ब्रेकफास्ट टाइम है सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा ना मतलब? हाँ। तो 4 बजे उठ जाऊंगी खाने के लिए, 4 बजे उठ के है ना। ठीक है खा के पेट तो निकल गया है इतना। मेरी बात सुन, खाने के बारे में मत बोल, ठीक है ना? बहुत हो गया है तेरा, क्योंकि तू पता है तेको मतलब कि मैं 23 साल में लोगों के ताने सुने हैं कि कितनी पतली है 23 साल। जब जाके मैं अभी मोटी हुई हूँ, तो अब तू ये बच्चे के 50 साल जो बचे हैं ना, बच्चे 50 साल जो बचे हैं या फिर जितने भी साल बचे, अब ये ताना सुनना कि तोंद अंदर कर। हाँ यार लोगों को कहीं भी यार शांति नहीं है, पर है ना पतले हो जाओ तो भी बोलते हैं, मोटे हो जाओ तो दिक्कत सब। तू पतली हो जाएगी काम कर वापस। नहीं यार चलते भी नहीं बनता है तुझसे, सांस भराती है सांस। हाँ पर ये बात तो मैं बोलूंगी आप सबको भी कि जब मोटा हो जाता है इंसान तब है ना काम नहीं होता है, बहुत आलस आती है। जब मैं पतली थी ना तब बहुत एनर्जेटिक थी, अब मैं मुझे आलस आने लग गया है। मतलब पहले नहीं आता था ना मुझे आलस, ऐसी तो पहले भी थी। गंदगी दिखाऊं ना लोगों को? डस्टबिन शट अप, वो नहीं दिखाऊंगी मैं, ठीक है ना? चलो जल्दी फटाफट ड्रेस चेंज करो और फिर खाने चलते हैं, फिर फोटोशूट करेंगे है ना। तो दोस्तों हम लोगों ने वापस ड्रेस चेंज कर ली है, अब हम कुछ खाने जाएंगे ना? नहीं पहले फोटो क्लिक करेंगे फिर खाने जाएंगे, तब तक पेट खाली हो जाएगा ना, फिर थोड़ा पेट भरा हुआ है। चलो ठीक है पहले फोटो क्लिक करते हैं फिर खाना चलते हैं। चलो और ये है 5th deck। और आयुषी को फोटो में मजा नहीं आ रहा है, उसके फोटोज अच्छे नहीं आ रहे। बेटा शक्ल जैसी रहेगी वैसा ही आएगा, मैंने बोल रही हूँ फोटो शक्ल जैसी वैसा ही फोटो। समझ रहे ये क्या है, ये क्या लगे हुए यार? ये छोटा क्रूज है, मिनी क्रूज है। सॉरी लाइफ बोट्स, ओके दिस इज लाइफ बोट्स, ओके ब्रो। तो ये है टाइटैनिक वाला सीन है, टाइटैनिक वाला सीन नहीं है, वो है लाइफ बोट।
लाइफ बोट बोलते हैं गाइस इसको, अगर मतलब कभी जहाज डूब गया तो ये इसको फेंक देंगे पहले और सब इसमें चले जाएगा, है ना? ये ऐसा ही हो सकता है क्या? चलो अभी हम हैं 6th floor पर और अब देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से फ्लोर स्किप कर दिए हैं। 2nd floor पर है मेडिकल फैसिलिटीज़, जिससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। और 3rd floor पर रूम्स है, 4th floor पर भी रूम्स है और वो है रेस्टोरेंट है। और 5th floor पर है थिएटर है, फोटो गैलरी है और डाइनिंग रूम है और ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ पर 5th floor पर जहाँ पर वो था लाइव म्यूज़िक था। और 6th floor पर अभी हम हैं, ये 6th floor पर है शॉपिंग मार्केट, शॉपिंग है यहाँ पर, कैफेज़ है, कसिनो हैं और 7th floor पर है रूम्स और इंटरनेट कैफ़े, और 8th floor पर है रूम्स और लॉयल्टी डेस्क, कार्ड रूम्स, और 9th floor पर है लाइब्रेरी और रूम्स, और 9th floor पर हमारा रूम है। और 10th floor पर जिस पर हम मॉर्निंग में गए थे पिंक कलर की ड्रेस पहनकर और ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर, और जहाँ पर हमने हाई टी भी ली थी, और 11th floor पर जिम। ठीक है, तो सारे फ्लोर हमने विजिट कर लिए हैं। आयुषी अब मैं हील्स उतार दूंगी, अब मुझे मेरा कंफर्ट जोन चाहिए। वाह यार बेटा, बढ़िया। क्या है आपका असली मजे तो तुम ही ले रहे हो जीवन के। चक्कर नहीं बोलते उसको, चक्कर नहीं बोलते उसको, ये चल रहा है ऐसे ऐसे हो रहा है। ये जब जहाँ चलेगा तो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे तो होंगे ना हम। इसको लग रहा है कि इसको चक्कर आ रहा है। चक्कर नहीं बोलते उसको, जाओ खाना लो और खाओ, खाना लेके आओ मेरे लिए, जाओ। चलो मैं अकेले नहीं जाऊंगी भैया, मेरे को तो बहुत अजीब लग रहा है यार। चलो फिर, नहीं खाना, खाना नहीं खाना, खाना चलो आ जाओ, खाना खा लेते फिर उसके बाद चलते हैं, आराम करते सोते हैं, ठीक है? तो दोस्तों हम लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं और हम 4 थाली से सीधा 2 थाली पर आ गए हैं। लगता है हम दोनों को एक दूसरे की नज़र लग गई। चार थाली लाते थे अपन एक टाइम पे। थक गई हूँ बिल्कुल, इतना थक गई हूँ कि मेरे को खाते नहीं बन रहा, मतलब ऐसे उठाने में और ऐसे मुंह में। पता है अभी है ना, बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है, पता है? ये सब लोग ऐसे हो रहे हैं वहाँ पर खाना लेते टाइम। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग। कहाँ से, मतलब तुम कहाँ से आए हो? ग्वालियर से आए हो। मैं बोल रही हूँ तुझे कि मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है कि कितने रील्स पे कितने व्यूज आए होंगे, फोटोज पे कितने लाइक आए होंगे। 2 दिन से नेट नहीं चलाया है, मतलब अपन बिना नेट के कैसे रह रहे हैं? नेट की याद नहीं आ रही है, पर ना नेट की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। ये मतलब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह की बिल्कुल भी याद नहीं आई, पर अपन कितने पागल जैसी बात कर रहे हैं। फोटो वीडियो उसी के लिए तो पोस्ट करने के लिए फोटो ले रहे हैं पूरे दिन भर से, और याद ही आ रही। कल करेंगे ना? हाँ कल करेंगे। पर अब गोवा पहुँच जाएंगे फिर करेंगे। चल जाएगा, पहले ही चल जाएगा ना, पहुँचने के पहले ही थोड़ा थोड़ा सा चलने तो लग जाएगा। कहाँ जा रही है? लड़की चाह जाती है वहाँ, काम बढ़ा के आती है लोगों का। सूप लेने गई है, क्या खाएगी यार? बाप रे, मोटी हो जाएगी ये लड़की। यहीं से आ जाती। अब क्या ले? हलवा मेरा फेवरेट है, पता नहीं है क्या? हाँ पागल, सभी फेवरेट है तेरा तो। सब फेवरेट नहीं होता है, कुछ चीजें होती है फेवरेट। चलो खाना खत्म हो गया, मैं जल्दी से लेकर आ गई।
खत्म नहीं हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया हमारा क्लोजिंग टाइम। फोटो लेना है, आ जाओ। क्या नाम है आपका? कुशल। कहाँ से आओ? मैं Where are you from? दिल्ली से। दिल्ली आए थे अभी हम लोग थोड़े टाइम पहले ही शॉपिंग करने। नहीं, इंदौर से हम लोग। हेलो, मैं बोल रही हूँ कि इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, इतना चल रहे हैं अपन, फिर भी पेट नहीं चल रहा है। इतना तो कुछ नहीं चल रहा है, लिफ्ट तक ही चल रहे हैं बस, उसको चलना नहीं बोलते, इतना तो घर में भी चलते हैं। क्या करें पेट के अंदर, एप्स भी तो लगा रही हूँ, वर्कआउट कर तो रही हूँ, क्या करूँ और सब कुछ कर रही हूँ मैं। मतलब मुझे मोटा पैरों से होना है, पेट से नहीं होना है, पर पेट में जा रहा सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। डाइट पैर में क्यों नहीं जाता है, प्रोटीन विटामिन जो रहता है वो तो डाइट, आपका डाइटिशियन है उससे पूछो, डाइटिशियन कौन है आपका? डाइटिशियन का कहना है कि आप वर्कआउट करो अच्छे से। वर्कआउट तो मैं करती हूँ, अब वो 15-20 दिन कर। वर्कआउट ऐसे होता है, सुन अब चुप रहना, ठीक है? वर्कआउट ऐसे होता है, आपको चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर वॉक करना होता है, वॉक, उससे तो आपका पेट निकलता है। पतली हो जाऊंगी ना ऐसे, तो पेट से पतला होना है मुझे, शरीर से पतला। खाएगी तो उतना ही ना, सिर्फ वॉक करने का बोल रहे हैं। बहुत समस्या है यार जीवन में मेरे, क्या क्या करूं मैं। तो मैं तुझे ऐसा बोल रही थी कि खाना वाना खा लिया है ना, थोड़ी देर सो जाते हैं, बैग बैग जमा लो जरा कुछ। बैग जमा लिया मैंने, फिर सो जाते हैं। जमा लिया, ठीक है, ये हटाओ यहाँ से सब। हटाते हैं, सो जाते थोड़ी देर, फिर हटाते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों खाना खाने के बाद मस्त हम लोगों ने नींद ले ली है एक घंटे की। तो दोस्तों खाना खाने के बाद मस्त हमने एक घंटे की नींद ले ली है, 12 बज गए हैं और क्लब ओपन हो चुका है, और हम सच बता रहे हैं कि हम क्लब जाने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं है, बस हम आपके लिए जा रहे हैं क्लब, क्योंकि आपको सब कुछ दिखा दिया हमने, तो ये भी अब दिखाई देते हैं। कौन से फ्लोर पे जाना है? 10th फ्लोर पे जाना है, क्योंकि हमको ये क्लबिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम है ना बहुत शांति वाले लोग हैं, मतलब शांति में रहना ज़्यादा पसंद है हमको, नींद आ रही थी और तो भी मतलब हम लोग खाना खाकर 10:30 बजे फ्री हो गए थे, फिर हम रूम में गए, हम सो गए फिर जाकर, क्योंकि 12 बजे का टाइमिंग थे क्लब का। अब जाते हैं थोड़ा बहुत वहाँ पे, 5-10 मिनट आपको दिखाएंगे क्या क्या है, फिर वापस आ जाएंगे रूम में सोने के लिए। सच में सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वरना हमको बहुत बोल आ रही है, हम सो गए थे 1.5 घंटे, बढ़िया सो गए थे हम, क्यों। तो दोस्तों हम क्लब से आ गए हैं रूम में और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं हम, इतनी नींद आ रही है। और ये देखो, ये सब ऐसे पड़ा हुआ है, ये वैसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ, ये देखो इनका क्या करते ये चारों तरफ सामान ही सामान बिखरे हुए हैं हमारे। और अच्छा था क्लब, है ना, मतलब इतना कुछ खास नहीं था पर ठीक था। वो तो आपको बताने के लिए हम लोग रुके हुए थे, मतलब 1 घंटा हमने नींद ली, वरना हम सो जाते फिर सुबह डायरेक्ट उठते। वैसे क्लब जाना हम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और आयुष को भी पसंद नहीं, हम दोनों कभी इंदौर में रहकर कभी भी क्लब नहीं गए, क्यों अपन कभी भी क्लब नहीं गए हम लोग, क्योंकि मतलब पसंद नहीं ऐसे क्राउड में, ऐसा क्या बताऊँ यार, मतलब कि पसंद नहीं है। और अब यहाँ पर आए हैं तो सब जगह आपको एक्सप्लोर करवा दिया हमने, बस एक थिएटर वाला वो शो मिस हो गया, क्योंकि हमको फ़ोटो शूट करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा उससे ज़्यादा, क्योंकि वो बार बार फ़ोटो बार बार यहाँ थोड़ी आएंगे, शो तो हम वहाँ पर भी देख लेंगे पर फ़ोटोज़ यहाँ पर बार बार नहीं आ पाएंगे ना, दैट्स वाई। और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और सुबह हमको 4 बजे उठना भी है, और अभी एक बज चुके हैं ना, 1 बज चुके हैं,
और मस्त अब हम सोएंगे। सही सब सामान वामान हटाओ यार मेरे पास से, अब सोना है मुझे। हटाओ वहां से ये सामान, ये ठीक है। सो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं सुबह। यार इतनी गाने की आवाज आ रही भाई, यू क्या करें यार, पता नहीं लोगों को नींद क्यों नहीं आती इतनी रात को, कौन नाचता है यार। यार रात को 2:30 बज गए और ज्यादा टाइम नहीं अपने पास सोने के लिए, 4 बजे उठना भी तो है। क्या कर रहे हैं अब यार, नींद नहीं आ रही। ऐसी खड़खड़ खड़खड़ खड़ की आवाज क्या आती है यार यहाँ पे, बजता है ना आवाज होती है तो गिरूस चलता है तो, है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम रेडी हो चुके हैं और हम गोवा पहुंच गए हैं और 7:30 बजने वाले हैं और हमारे पास टाइम नहीं था। मतलब सुबह 4 बजे का अलार्म मैंने लगाया था बट पता नहीं क्यों वो बजा ही नहीं, और 6 बजे नींद खुली। फिर जल्दी जल्दी हम लोग रेडी हुए और 7:15 हो गए हैं अभी, फाइनली गोवा पहुंच गए हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है। कहाँ चलना है, 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 कहाँ चलना है पर? चलना पहले खाने तो नहीं जा सकते ना आप, क्योंकि लगेज बाहर निकालना है रूम में से, तो मेरा लगेज तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। चलो भैया चलो पहले सामान बाहर निकाल लेते रूम। दोस्तों हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है और ये सभी अभी सामान मुझे समेटना है। मैंने आयुषी को भेज दिया है खाने के लिए, वो टेबल पर खाना लगा रही है, तब तक मैं जल्दी से फटाफट ही सब सामान बाहर निकाल लेती हूँ। बोल रही हूँ कि मैंने सारे बैग पैक कर दिए, बस उनकी चैन में मुझसे नहीं लग रही, तुझे लगानी पड़ेगी। एक बार थाली लेकर आ गई हूँ और 3 थाली ऑलरेडी है। पूरे पैसे वसूल करके जाऊँगी, है ना, लास्ट तक। हाँ पूरे पैसे 30,000, 30,000, 60,000 पूरे पैसे वसूल करके जाऊंगी। जस्ट किडिंग गाइस, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी खाना है, क्योंकि पता नहीं गोवा में पता नहीं कैसा खाना मिलेगा, इसलिए यहाँ पर मस्त। तो खाने के बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगी, खाने के बारे में एक भी गलतियाँ नहीं हुई हैं इनसे, मतलब एक भी गिला शिकवा खाने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है मुझे। तुझे है कि नहीं? मतलब कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है खाने को लेकर। एक्सक्यूज मी, खाने से मैं सेटिस्फाई हुई हूँ यहाँ पर। तो गाइस मेरा ये सजेशन है कि ज़्यादा सामान भर के ना लाए, वरना ऐसे दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 बॉटल अपन ने पिया ही नहीं पानी, हमने सिर्फ दो या तीन ही बॉटल तो पिया, ज्यादा पानी नहीं पिया हम लोगों ने। नहीं फिर भी हमने नहीं पिया, अपन ज्यादा पानी नहीं पीते तो पानी पिया करो। फाइनली गाइज अब हम जा रहे हैं हमारे क्रूज से बाहर, चलो। तो दोस्तों गोवा पहुंचते से पायल के फैंस मिल गए, देखो आप। वेलकम टू गोवा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए क्रूज में भी बाहर भी। भैया इधर आ जाओ, गाड़ी आ रही उधर, दिखाई ना देता है कि अंधी है क्या तू? आई तू थोड़ी हेल्प करा दे, छिड़ क्यों रही है तू? इरिटेट हो रहा है यार, बाल बाल सबसे पहले तो। हाँ ओके ठीक है भैया, इतने केयर करते ना लोग लड़कियों की। बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ तक लेकर आए हम लोग, बाप रे। कभी भी ध्यान रखना कि बैग जो है वो बहुत मजबूत लेकर आना, वैसे तो मजबूत ही था, पता नहीं कैसे टूट गया, कैसे उसने वो लड़के ने तोड़ दिया, उन्हें समझ में नहीं आ रही है। वहाँ से यहाँ तक हम लोग उसको घीस कर लेकर आए हैं, और वहाँ पर टैक्सी भी नहीं अलाउड है, मतलब अंदर आना अलाउड नहीं है, और फिर आपको टैक्सी मिलेगी। बहुत ही गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो गई 2 दिन के वजह के बाद। सो फाइनली गाइज हम लोग गोवा पहुँच गए हैं, और गोवा में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही स्ट्रगल करके वो बैग लेकर हम लोगों ने टैक्सी की है,
मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो गया, पर हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब हम दोनों साथ में होते हैं तो हमको किसी और की जरूरत नहीं, हम 10 बैग उठा सकते हैं। और मैं आप लोगों को भी यही बोल रही हूँ कि ग्रुप वुप बनाने से कुछ नहीं होता है, एक हो काफी हो, काफी हो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ये ओनली क्रूज़ का कड़ी या क्रूज़ का व्लॉग था। अब गोवा का मैं नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी जल्दी ही। और बहुत ही अच्छा लगा, नया एक्सपीरियंस था, मतलब कि फ्लाइट में ट्रेन में तो हमेशा बैठते हैं, इस बार क्रूज़ में बैठे थे हम लोग, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा। क्यों, आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, मतलब नया एक्सपीरियंस हो गया, ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत चीजें हैं उसके अंदर, सभी था उसके अंदर, सब कुछ था उसमें, मॉल था, क्लब था, और रेस्टोरेंट था, कैफे था। सबसे बढ़िया चीज थी ये थी कि खाना बहुत अच्छा मिल गया, खाना बहुत अच्छा, खाना ऐसा रहता है कि हर जगह पर इंसान खाने के लिए परेशान होता है, खाने के लिए कभी वाला सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, और हम लोग खाने के लिए सेटिस्फाई हो गए। तीनों टाइम हमने अच्छे से खाया, हाई टी भी अच्छी थी, तीन ने चार टाइम खाया ना, लंच डिनर हाई टी ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आप भी जाओ क्रूज से, मतलब कि मजा आएगा आपको। 60,000 की टिकट करो और एंजॉय करो, 60,000 की टिकट करो, उसकी 12 की डेट। और एक और चीज, इंटीरियर रूम ही लेना, प्रीमियम इंटीरियर रूम ही लेना, हमने भी वही लिया था क्योंकि हम लोग रूम में ज्यादा रुके ही नहीं, हमने बहुत सारा एक्सप्लोर करा, तो ओशियन रूम के पैसे बिगाड़ के कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल आपको समुद्र देखना है तो आप 10 डेक पे चले जाना, चले आपको जाना। बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, रूम में से कोई मतलब नहीं, एकदम टाइटैनिक वाला फील आएगा, टाइटैनिक वाला फील आएगा। तो आप भी जाना, एंजॉय करना, हमने भी बहुत एंजॉय किया। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय, लव यू।